हे एवरीवन, मैं हूँ उष्मा। आज की वर्क फ्रॉम होम जॉब कस्टमर सपोर्ट की है, लेकिन काम बिल्कुल भी कस्टमर सपोर्ट जैसा नहीं है, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। किसी भी डिग्री में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वेल एंड गुड है। सिर्फ इतना ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज सैलरी 30,000 से 50,000 तक रहेगी। परमानेंटली रिमोट जॉब है, फुल टाइम जॉब रोल है। तो चलिए पूरा प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो कल की वर्क फ्रॉम होम के अपडेट्स के लिए भी। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल के साथ। वी लोकलाइज की मैं बात कर रही हूँ। इसमें जॉब रोल जो है वो कस्टमर सक्सेस इंटर्न लाइफ साइंस सेक्टर में है। ये एज एन इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप दोनों यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। परफेक्ट कंपनी है, आज की नहीं है ये कंपनी। 1997 का इनका एस्टैब्लिशमेंट है, और ये ट्रांसलेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये वो सर्विसेज होती हैं जो रिटन या स्पोकन कंटेंट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और लोकलाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, विच मीन्स ट्रांसलेट कंटेंट टू मैच दी लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी की लिंक दे दी गई है, आप एक बार वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार मेन पर्पस जॉब का देख लेते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद एक्चुअल में क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। कस्टमर के ट्रांजैक्शनल जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें मैनेज करना, बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ क्लोजली वर्क करना, फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स को हैंडल करना, और जो क्लाइंट मीटिंग्स हैं उन्हें क्रिएट करना, PPTs बनाना, यहाँ पर ये मेन ड्यूटीज़ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत में कहा था कि ये कस्टमर सक्सेस इंटर्न की जॉब है, लेकिन जैसे आप सोच रहे होंगे कि वॉइस कॉल्स, चैट कॉल्स, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत एक्सक्लूसिव कस्टमर सक्सेस इंटर्न की यहाँ पे जॉब है। रिसर्च और रिसर्च फील्ड में भी आप यहाँ इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर्स के साथ। प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती है सीनियर मैनेजर्स के साथ, आपने डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, ड्राफ्ट रेडी करना होगा, प्रपोजल्स डिलीवर करना होगा वाइडर सेल्स टीम को, सेल्स टीम को भी असिस्ट करना होगा कुछ प्रोसेस के साथ। वैसे ये सेल्स प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट यहाँ पे एज एन इंटर्न आप हर किसी का करेंगे। यहाँ पे हर एक हायरार्की में आपने यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, और आपसे जो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी कि किस तरह ये वर्क करते हैं। पॉजिटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी एंड इट्स ब्रांड इन द मार्केट प्लेस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस बिल्कुल नहीं करना। अब हम एक बार चेक कर लेते क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वैसे तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, और लेकिन जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस इन सेल्स और सेल्स सपोर्ट एनवायरनमेंट वुड बी आइडियल, अगर है तो प्रायोरिटी ज़रूर दी जाएगी। गुड नॉलेज ऑफ सेल्स साइकिल होना चाहिए, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, और अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। न्यू रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं और करंट रिलेशनशिप्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, मतलब आप सीख जाएंगे वहाँ रहकर। उसके बाद जो लोग ये सेल्स प्रोफाइल में, उन्हें रिलेशनशिप बिल्ड करना अच्छे से आता होगा आई गेस। उसके बाद अगर यहाँ पे की कॉम्पिटेंसीज देखी जाए तो ये क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको ये क्या क्या डेवलप करेंगे। अगर आप यहाँ काम करते हो तो आपके अंदर कौन सी इंटरपर्सनल स्किल्स जो डेवलप होगी, स्ट्रांग कंपनी एंड इंडस्ट्री अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, कमर्शियली यू कैन थिंक कमर्शियली एंड कैन इंटरेक्ट विद कमर्शियल पीपल्स, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन बिल्डिंग अ क्रेडिबिलिटी बेस्ड रिलेशनशिप एंड कैन प्रोवाइड पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई ऐसे रेलिवेंट या रिलेटेड फील्ड में यहाँ पे नहीं बोला गया, सिर्फ ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आप किस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना CV अटैच करना होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे लिंक्स जो हैं वो आपके अपने पोर्टफोलियो वाले लिंक्स भी डाल दीजिएगा, जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो जो लिंक्स है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कस्टमर सक्सेस इंटर्न इन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा, किसी डाउट के लिए कॉमेंट सेक्शन में आप एक बार मेंशन कर सकते हैं हमें, और ये सब फिल करने के बाद एंड सबमिट द एप्लीकेशन, ये डायलॉग बॉक्स में क्लिक करने के बाद यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन। सो दिस हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल फिर भी लेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द जॉब एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।